गाइस वेलकम टू आवर चैनल। और कैसे हो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू वीडियो स्प्लेंडर प्लस 2019 मॉडल। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको इनके ओनर से। तो भाई कैसे हो आप? मस्त हूँ ब्रो। चलो तो ये बताओ भाई, ये गाड़ी आपने कब ली थी? ये 2019 में ली थी और अप्रैल में ली थी। चलो बढ़िया है। ये इस गाड़ी के कंपैरिजन में तो काफी गाड़ी आती है, जैसे कि होंडा की हो गई, होंडा की भी है गाड़ियाँ, और इसमें एचएफ डीलक्स भी आ जाती है, पैशन प्रो भी आ जाती है, और काफी गाड़ियाँ हैं टीवीएस वगैरह की भी हैं। तो वो आपने क्यों नहीं ली, यही क्यों ली? ये इसमें ये इस पे तीन लोग, इसकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत है, इसमें शहर में और गांव में बहुत ज्यादा इसे लोग पसंद करते हैं इस गाड़ी को। ये तो बात ठीक है, शहर में और गांव में तो इसकी पसंदीदा सबसे ज्यादा गाड़ी है। फिलहाल इसके लुक्स भी ऐसे हैं कि ये जितनी भी चलाओ इसका मजा ही अलग है, और गाड़ियों के मुकाबले में चलती अच्छी है। हाँ। चलिए भाई लोग, अगर बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में इसमें सबसे ज्यादा फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे, जो बैक इसका ब्रेक है, अगर ये वाला आप दबा क्लिक करते हैं तो आगे वाला भी ब्रेक पकड़ेगा। 30% पावर इसकी आगे वाले में भी जाती है। इधर हम इसके, तो भाई लोग अगर बात करें हम इसके इंजन की, तो इसमें 97cc का इंजन आता है, एक सिलेंडर इंजन है और चार स्ट्रोक सिलेंडर है। और बात करें अगर इसके टायर साइज की, तो 18 इंच का टायर है जिसमें 18x100 का दे रखा है। और इसके बात करें बैक टायर की, तो ये भी 80x100 का दे रखा है भाई। और इसमें दोनों टायर आते हैं ट्यूबलेस। और इस गाड़ी की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि आप अगर इस गाड़ी को खरीदने के बाद भी सेल करते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, आपको खरीदने वाले मिलते ही रहेंगे। और इस गाड़ी की ऐसा है कि ये गाड़ी हर जगह पसंद की जाती है, शहर में भी और गांव में भी सबसे पसंदीदा गाड़ी है। और अगर हीरो का किसी का अगर सबसे ज्यादा है खरीदने वाली जो गाड़ी है, वो सुपर स्प्लेंडर प्लस ही है। सुपर स्प्लेंडर बात करें अगर इसके शॉकर की, तो इसमें फ्रंट शॉकर टेलीस्कोपिक आता है और बैक वाला जो शॉकर है वो 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉकर है। और अगर बात करें अगर हम इसके एवरेज की, तो इसका 60-65 एवरेज रहता है, जो कि काफी अच्छा है, लोगों को इसी में मनपसंद आया। और बात करें हम अगर इसकी स्पीड की, देखो वैसे गाड़ी भगानी तो नहीं चाहिए, फिलहाल इसकी स्पीड 95 चली जाती है आराम से और कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल भगानी नहीं चाहिए, 80-85 नॉर्मल है। तो भाई लोग बातें तो बहुत हो गई, चलिए इस गाड़ी को चला के देखते हैं कैसा इसका रिव्यू और चलने में कैसी है। और वैसे इसमें 4 या 4 गियर आते हैं, देखते हैं कैसी है चलने में। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसी है ये। तो भाई लोग देख लो हमारे स्टेशन का माहौल कितना बढ़िया है, हल्के तो देखो क्या हो रहा है। वन टू थ्री गो। तो भाई चलो चला के देखते हैं इस गाड़ी को कैसी है ये चलने में, चलिए बताते हैं आपको। भाई चलिए आप भी आ जाइए और रखना, चलिए पीछे रख फोन। तो भाई ये गाड़ी कैसी लगी आपको चलाने में? गाड़ी चलाने में तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छी चलती है। अगर इसकी बात करें कंफर्ट की, कंफर्ट भी इस गाड़ी का अच्छा है, वैसे बढ़िया है, केयर भी आपने गाड़ी की काफ़ी अच्छी करके रखी है, दिख तो अच्छी रही है। चलो अब आप आ जाइए, आपसे पूछते हैं। यार मेन चीज़ तो रहेगी, आपने ये बताई नहीं यार, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? ये मुझे 78,000 की पड़ी थी। चलो बढ़िया है, वैसे गाड़ी तो अच्छी लग रही है, आपने केयर इसकी काफ़ी अच्छी करके रखी है। हाँ ब्रो चमक रही है बिल्कुल। चलो सही है, आप भी इसे चमकाते रहो। चलो तो नेक्स्ट गाड़ी आप कौन सी लेने? तो भाई मैं नेक्स्ट गाड़ी लेने वाला हूँ अपाचे 160। चलो बढ़िया है, आप हमारी तो दुआएं की। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को निखिल गैराज फिटनेस।